इंडियन कोस्ट गार्ड को अंडमान सागर में रोहिंग्या रेफ्यूजी से भरी एक बोट मिली है। इंजन फेल होने की वजह से ये बोट करीब 10 दिनों से समुद्र में भटक रही थी। भूख प्यास की वजह से 8 रेफ्यूजी की मौत भी हो गई थी। बोट करीब 64 महिलाएं और 26 पुरुषों को बांग्लादेश के कॉक्स बाजार से लेकर चली थी। इन रेफ्यूजी में 8 लड़कियां और 5 लड़के भी शामिल थे। भारत के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को ये जानकारी देते हुए कहा कि इंडियन कोस्ट गार्ड को ये बोट मिली है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये बोट 11 फरवरी को बांग्लादेश के कॉक्स बाजार से 90 रोहिंग्या रेफ्यूजी को लेकर चली थी, लेकिन 15 फरवरी को इसका इंजन खराब हो गया और तभी से ये समुद्र में भटक रही थी। प्रवक्ता ने आगे बताया कि मुश्किल परिस्थितियों की वजह से 8 लोगों की जान चली गई, जबकि एक लापता है। अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि जैसे ही उन्हें इस भटकती बोट के बारे में पता चला तो उन्होंने 2 कोस्ट गार्ड जहाज मदद के लिए रवाना कर दिया। भारत ने इन शरणार्थियों को पानी, दवा, खाना पहुंचाया। इनमें से 7 लोगों की हालत तो काफी ज्यादा खराब थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि इनमें से 47 के पास संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाया गया पहचान पत्र है। इससे पता चलता है कि ये लोग म्यांमार से जान बचाकर भागने के बाद बांग्लादेश में शरण लेने को मजबूर हुए थे। उन्होंने बताया कि उनकी बातचीत बांग्लादेश सरकार से जारी है ताकि उन्हें सुरक्षित वापस भेजा जा सके। रेफ्यूजी के लिए संयुक्त राष्ट्र हाई कमिश्नर ने सोमवार को मदद की अपील की थी। UNHCR ने बयान जारी कर कहा था कि रेफ्यूजी ने हमें बताया है कि जहाज में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। इसमें मौजूद कई यात्री तो बीमार हो चुके हैं। ये जहाज इंजन के फेल होने के बाद से ही भटक रहा है। हमें ये नहीं पता है कि इसमें कितने यात्री हैं और ये बोट कहाँ है। हमारी इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।